भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार शामिल हुई प्रियंका गांधी, फूल बिछाकर किया गया कांग्रेस महासचिव का स्वागत। पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा भी यात्रा में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन आज, राहुल गांधी के नेतृत्व में बोरगांव से शुरू हुई यात्रा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई लोग हुए शामिल। अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उठाए सवाल, कोर्ट ने कहा उनकी फाइल को जल्दबाजी में किया गया अप्रूव, 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर लगा बैन, दिल्ली महिला आयोग ने लिया मामले का संज्ञान, मस्जिद इमाम को भेजा नोटिस। नवाब मलिक को अभी और करना होगा इंतजार, एनसीपी नेता की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट 30 नवंबर को सुनाएगी फैसला। गुजरात चुनाव के लिए पीएम ने संभाली कमान, आज पालनपुर, मोडासा, दहेगाम, बावला में जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। श्रद्धा केस को लेकर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष का बयान, नाराजगी जताते हुए बोली स्वाति मालीवाल, जब तक इस देश के सिस्टम खोखले रहेंगे लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। उत्तराखंड सरकार का मदरसों के लिए नया फरमान, मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड, स्कूलों की तरह 8 से 2 बजे तक होगा संचालन। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता, जानमाल के नुकसान की नहीं मिली जानकारी। जहरीली हवा से सावधान, दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ेगा प्रदूषण, हवा की रफ्तार में कमी के साथ बिगड़ेंगे हालात।